कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद्र श्रीवास का बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री। रामायण के राम और सीता के साथ नोटिस फिल्म में निभा रहे हैं मुख्य किरदार। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कांग्रेस नेता, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय नेता श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास के बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हुई है। रामानंद सागर के विश्व प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण के भगवान श्री राम के पात्र श्री अरुण गोविल और माता सीता के पात्र दीपिका चिखालिया के साथ बॉलीवुड के फिल्म नोटिस में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि आदित्य प्रताप एस इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले निर्माणाधीन फिल्म नोटिस में त्रिलोक चंद्र श्रीवास रामायण के राम और सीता के दामाद के रूप में किरदार कर रोल कर रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर मशहूर निर्देशक प्रदीप गुप्ता हैं, जिन्होंने दर्जनों धारावाहिक, वेब सीरीज और दर्जनों फिल्मों में काम किए हैं। आदित्य प्रताप एस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के द्वारा पूर्व में पगले आजम, कल्लू हैंडसम, लाल मिर्ची जैसे हिंदी मूवी का निर्माण किया जा चुका है। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया नारायण गुप्ता, जो अरुण गोयल हैं, इनकी दुकान स्थानीय नेता और प्रशासन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाने हेतु तोड़वाना चाहते हैं। नियम विरुद्ध इनके दुकान से बेदखल करने के लिए जा रहे हैं। इस अवैधानिक प्रयास का नारायण गुप्ता अर्थात अरुण गोविल, सुगंधा गुप्ता अर्थात दीपिका चिखालिया और दीपक उनके दामाद यानी त्रिलोक चंद्र श्रीवास और इनके पुत्र सिद्धार्थ द्वारा प्रशासनिक पक्षपात पूर्ण कार्रवाई का विरोध किया जाता है। जनता का जन समर्थन भी इस आंदोलन को मिलता है और अंत में नारायण गुप्ता और दीपक आदित्य सिद्धार्थ की जीत होती है। व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई, प्रशासनिक आतंकवाद से संघर्ष लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अभी फिल्म निर्माणाधीन प्रक्रिया में है। कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने इस विषय में बताया कि 35 वर्ष पहले टीवी में रामायण देखा करते थे और टीवी में रामायण देखते देखते इनके मन में रामायण के पात्र श्री अरुण गोयल और दीपिका चिखालिया जो राम सीता का अभिनय किए थे, इनके प्रति श्रद्धा का भाव रूप से भरा हुआ था। हजारों बार टीवी के पर्दे पर उन्होंने, उनके परिवार ने उन्हें प्रणाम किया। इनके साथ बॉलीवुड में मुख्य किरदार निभा पाना उनके साथ उनके विधानसभा बेलतरा और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। फिल्म की 80% शूटिंग मढ़ाईलैंड मुंबई स्थित स्टूडियो में हो चुकी है। बाकी की शूटिंग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर संपन्न होगी। टॉकीज और थिएटरों में यह मूवी 3 महीने पश्चात रिलीज होने की पूर्ण संभावना है। त्रिलोक चंद्र श्रीवास के सफल सामाजिक जीवन, सफल राजनीतिक जीवन पश्चात अभिनय के क्षेत्र में बॉलीवुड एंट्री करने में छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। विशेषकर इनके चाहने वालों और सामाजिक जनों, सहयोगियों ने इन्हें और इनके निर्माणाधीन फिल्म की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी हैं। श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने बातचीत के दौरान यह बताया कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान अरुण गोविल, दीपिका चिखालिया और आदित्य जी और अन्य कलाकारों का छत्तीसगढ़ प्रवास होगा। फिल्म में मुख्य किरदार के साथ साथ अन्य किरदारों की भूमिका प्रभावी है। फिल्म में गाने में स्वर प्रख्यात गायक कैलाश खेर ने दिया है। रामानंद सागर कृत रामायण के पश्चात सन 86-87 के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर रामायण के पात्र राम और सीता एक साथ नजर आएंगे। यह भी अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है कि रामायण धारावाहिक के पश्चात राम और सीता के द्वारा कोई मूवी निर्माण नहीं किया गया था। APS एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के तहत बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों के माध्यम से पुनः अरुण गोयल और दीपिका चिखालिया की वापसी हो रही है और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास के बॉलीवुड मुंबई में अभिनय के क्षेत्र में नई भूमिका निभाने से इनके समर्थकों में विशेषकर बेलतरा विधानसभा बिलासपुर में अपार उत्साह का संचार हुआ है। इनके समर्थकों में हर्ष व्याप्त है और छत्तीसगढ़ के लाखों लोग इस मूवी के टॉकीज में लगने का प्रतीक्षा में है। बिलासपुर से ब्यूरो चीफ हरीश माड़वा।